हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। तो आइए देख लीजिए, हम लेके आए आपके लिए सितंबर का सेकंड वीक का करंट अफेयर्स, जो कि आपका आने वाले जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कुछ लेके आए जो इस महीना का है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ब्रिज कसियल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम हियर। जो ब्रिज कसियल, उनका डेथ हो गया है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिल्म राइटर है, ठीक है। वो क्या है? फिल्म राइटर है। हु हैज इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल सर्किट टूरिज्म प्रोजेक्ट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम एट गैंगल इन छत्तीसगढ़। हु हैज इनॉग्रेट, कौन इनॉग्रेट किए कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल सर्किट टूरिज्म प्रोजेक्ट? के जे अल्फोंस। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन कौन सा सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? 14 सितंबर को। अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट स्विस फैमिली 1000 इन 2018 रिपोर्ट, इंडिया का रैंक क्या है? फैमिली ओन बिजनेस में इंडिया का रैंक क्या है? थर्ड रैंक पे है इंडिया। इफ आरबीआई डिसाइड्स टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन मनी फ्लो इन द मार्केट? उस टाइम मनी फ्लो क्या हो जाएगा मार्केट में? इट विल डिक्रीज। इंडिया हैज बीन रैंक इन व्हिच यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इंडिया का रैंक क्या है इसमें? 113, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक है 130। वट इज द नेम ऑफ इंडिया 102 ईयर ओल्ड एथलेट, ठीक है। 102 ईयर ओल्ड एथलेट, वो एथलेटिक्स है वुमेन जिनका एज हो गया 102 ईयर, वॉज ओन ए गोल्ड मेडल जीते हैं एट द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप इन मलागा स्पेन। उनका नाम क्या है? मैन कॉर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से है। मैन कॉर फ्रॉम पंजाब, पटियाला पंजाब। वाई के शैलास थंगल हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू, वाई के शैलास थंगल जो है वो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया बने हैं, अपॉइंटेड हुए हैं इंडिया टू कोट डी आइवॉयर। वर्ड इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? फीकी जो है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ओडिशा? ओडिशा का नेशनल पार्क क्या है? इसमें ऑप्शन में अगर हम बोलेंगे सिमली पार्क, नेशनल पार्क। देखिए पहले वाला स्लाइड में हम क्या दिखा है, फीकी था। फीकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसका फाउंडेशन हुआ है 1927 और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और प्रेसिडेंट कौन है? राजेश शाह। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हेडक्वार्टर तो पूछा ही जा रहा है और प्रेसिडेंट और फाउंडेशन पूछ सकता है, ठीक है। यूएनडीपी है, यूएनडीपी भी था उसमें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका फाउंडेशन 1965, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी US, और मेंबर कंट्री कितना है? 177। नेक्स्ट देखिए, इन व्हिच स्टेट इज कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? ओडिशा। हु इज द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर? राधा मोहन सिंह। अभी मिनिस्टर पूछा जा रहा है तो एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जम्बिया? जम्बिया का कैपिटल क्या है? लुसाका। सरदार सिंह इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सरदार सिंह? हॉकी। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड सिगरेट इन द स्टेट? कौन सा स्टेट सिगरेट बैन किया है? तमिलनाडु। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI, इसका चेयरमैन कौन है? इलेक्टेड हुए अभी रिसेंट, इसका नाम है डी शिवा कुमार। हु हैज बीन रिनोमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा एथिक्स कमेटी? लोकसभा एथिक्स कमेटी जो है उसका चेयरमैन इलेक्टेड रिनोमिनेटेड हुए हैं, किसके द्वारा? स्पीकर सुमित्रा महाजन के द्वारा, इसका नाम है एल के अद्वानी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हरियाणा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क,
सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है आपका? हरियाणा में, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। हु हैज लॉन्च ए वेब पोर्टल? रेल सहयोग। रेल सहयोग वेब पोर्टल कौन लॉन्च किया? पीयूष गोयल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौर चंद्र महापात्र हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज, वो कौन थे? गौर चंद्र महापात्र कौन थे? फ्रीडम फाइटर, ठीक है, फ्रीडम के टाइम फाइटर थे ये गौर चंद्र महापात्र, अभी रिसेंटली चल गए। अब देखिए एंडरसन ओवरटुक एम सी ग्रैट टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल फर्स्ट बॉलर। एम सी ग्रैट जो थे उसको ओवरटुक कर दिए एंडरसन फर्स्ट बॉलर इन टेस्ट हिस्ट्री विथ 564 विकेट्स। कितना विकेट से? 564। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं एंडरसन? इंग्लैंड से, ठीक है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द साइनिंग ऑफ ए मूव बिटवीन इंडिया एंड, कौन से देश के बीच में मूव, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, साइन हुआ है। कौन अप्रूव किया? कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव किए हैं। कौन सा कॉर्पोरेशन पे, कौन सा फील्ड पे? फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ठीक है। तो किसके किसके बीच में हुआ है एमओयू साइन, किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड इजिप्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द साइनिंग ऑफ द एमओयू बिटवीन इंडिया एंड माल्टा, ठीक है, इंडिया एंड माल्टा के बीच में एमओयू साइन हुआ है जो कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव किए हैं। कौन सा फील्ड में? टूरिज्म, ठीक है, कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के फील्ड में इंडिया के साथ माल्टा का एमओयू साइन हुआ है और एग्रीकल्चर फील्ड में इजिप्ट और इंडिया का हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस? एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन अपॉइंटेड हुए हैं? विभा पदलकर। अब देखिए, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च रायतू लॉन्च किए कौन स्टेट टू बूस्ट कैशलेस फार्म इकोसिस्टम? कैशलेस फार्म इकोसिस्टम को एक रायतू है स्कीम, वो लॉन्च किए कौन स्टेट? आंध्र प्रदेश। इन व्हिच स्टेट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग विल बी हेल्ड? G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल जो है उसका जो मीटिंग होगा कहाँ पे? मॉडल प्लाटा, अर्जेंटीना का मॉडल प्लाटा में। व्हाट इज द नेम ऑफ पद्म भूषण अवार्डी एंड नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जो अभी रिसेंट उसका देहांत हो गया है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जो है उनका नाम है विजय शंकर व्यास। इन व्हिच सिटी इंडिया यूएई पार्टनरशिप, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ पार्टनरशिप हुआ है, इन व्हिच सिटीज उन लोग दोनों के बीच में पार्टनरशिप समिट होगा? IUPS इंडिया यूएई पार्टनरशिप समिट विल बी हेल्ड कौन से सिटी में होगा? दुबई में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरला? सॉरी, इरविकुलम नेशनल पार्क लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? केरला। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया? नामीबिया का कैपिटल क्या है? विंडहोएक, ठीक है। इन व्हिच स्टेट इज इंटेंकी नेशनल पार्क लोकेटेड? इंटेंकी नेशनल पार्क कहाँ पे है? नागालैंड पे। इन नया मतलब सुन रहे आप, इंटेंकी नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? नागालैंड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया? सोमालिया का कैपिटल क्या है? मोगादिशु, ठीक है। सुकलियन घोष दस्तीदार हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही हैज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? तो स्पोर्ट्स रिलेटेड थे, कौन सा स्पोर्ट्स? फुटबॉल। फुटबॉल प्लेयर थे सुकलियन घोष दस्तीदार। इन व्हिच सिटी थर्ड मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान वॉज हेल्ड? कहाँ पे हुआ है? कबूल पे। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप थर्ड मीटिंग हुआ है, कौन सा? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन
कॉपरेशन फील्ड में बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, कहाँ पे हुआ है? कबूल। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? गिरीश राधा कृष्णन, गिरीश राधा कृष्णन। हु हैज बीन नेम्ड द चेयरमैन ऑफ द 11 मेंबर सिलेक्शन कमिटी टू पिक दिस ईयर्स द्रोणाचार्य एंड ध्यानचंद अवार्ड? किसको मिला है? हु हैज बीन नेम्ड? मुकुल मुदगल, मुकुल मुदगल। इन व्हिच कंट्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियन इन व्हिच कंट्री WEF फॉर द एशियन नेशन हैज बीन स्टार्टेड? कौन सा कंट्री पे स्टार्ट हुआ है? अभी वियतनाम, ठीक है, वियतनाम पे स्टार्ट हुआ है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइंड ए MOU विथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट एक MOU साइन किए हैं, क्या करने के लिए? टू सेटअप एन इथेनॉल प्लांट इन पानीपत, पानीपत में एक इथेनॉल प्लांट सेटअप करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस का पेरिस में, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्टील मिनिस्टर? स्टील मिनिस्टर कौन है? चौधरी बीरेंद्र सिंह, स्टील मिनिस्टर का नाम है चौधरी बीरेंद्र सिंह। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड? पोलैंड का कैपिटल क्या है? वर्सोव। नेक्स्ट है, हु हैज वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द IAAF कॉन्टिनेंटल कप एट ओस्ट्रावा इन जेक रिपब्लिक? कौन जीते है? अरपिंदर सिंह। Where is the headquarter of Life Insurance Corporation of India? LIC का headquarter कहाँ पे है? मुंबई। Next है, government has appointed a panel. एक panel appoint किया to select the next chief economic advisor. Next chief economic advisor select करने के लिए एक panel appoint किया है. Who will head this panel? panel का head कौन है? बिमल जालान, नाम है बिमल जालान। Where is the headquarter of Asian Development Bank? ADB bank का headquarter है मैनिला, फिलीपींस। Which of the following national park is located in Uttarakhand? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट है? उत्तराखंड में। Who is the governor of Bihar? लालजी टंडन, ठीक है। अब बिहार का गवर्नर चेंज हो गया है, इसका नाम है लालजी टंडन। In which state भीमताल लेक located? उत्तराखंड। In which state सोमनाथ टेम्पल located? गुजरात। Who is the union minister of drinking water and sanitation? उमा भारती। What is the capital of Kenya? Nairobi। नेक्स्ट देखिए, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड एशियन गेम्स मेडलिस्ट हिमा दास? हिमा दास एशियन गेम्स मेडलिस्ट है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट इसको स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया है? कौन से स्टेट का स्पोर्ट्स एम्बेसडर है? असम, असम के स्पोर्ट्स एम्बेसडर है हिमा दास। व्हिच टीम हैज ओन द ड्यूलिप ट्रॉफी? ड्यूलिप ट्रॉफी कौन सा टीम जीते है? बाय डिफीटिंग इंडिया रेड एट डिंडीगुल तमिलनाडु, तमिलनाडु का डिंडीगुल में हुआ है। कौन सा टीम जीते है ड्यूलिप ट्रॉफी? इंडिया ब्लू, इंडिया रेड को हरा के इंडिया ब्लू जीत गए ड्यूलिप ट्रॉफी। इंडिया हैज एग्रीड टू सप्लाई 160 रेलवे पैसेंजर कोचेस टू श्रीलंका। इंडिया एग्री किए हैं 160 रेलवे पैसेंजर सप्लाई पैसेंजर कोच जो है सप्लाई करने के लिए किसको? श्रीलंका को। अमिताभ चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं, उसका नाम है अमिताभ चौधरी। नाओमी ओसाका हैज ओन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ US ओपन 2018। शी इज फ्रॉम व्हिच कंट्री? जापान। नेक्स्ट देखिए, व्हिच बैंक हैज अनाउंस ए न्यू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज MSME एंटरप्राइज बेस्ड ऑन GST रिटर्न्स? कौन सा बैंक? ICICI बैंक अनाउंस किए हैं न्यू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अनाउंस किए कौन सा बैंक? ICICI बैंक, ठीक है। व्हिच स्टेट पॉलिसी विल होस्ट व्हिच स्टेट पुलिस विल होस्ट एंड इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? टाइटल क्या है? COCONXI, ठीक है, COCONXI इसका नाम है कॉन्फ्रेंस का, साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल है। कौन सा स्टेट पुलिस होस्ट किए हैं? केरला। हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सरला पुरस्कार फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन मिश्रा ध्रुपद?
मिश्रा ध्रुपद सरला ऑनर्ड विद द प्रेस्टीजियस सरला पुरस्कार मिला है फॉर हिज पोएट्री। कौन सा पोएट्री के लिए? मिश्रा ध्रुपद। किसको मिला है? शत्रुघ्न पांडव। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए। हम फिट हार्ड वे का